हे कृष्णा, तो नए दिन में आप सभी का स्वागत है। तो फिलहाल अभी मैं जा रहा हूँ गिरिराज जी के लिए फूल लेने, क्योंकि अभी मुझे करना है गिरिराज जी का अभिषेक और आपको दिखाते हैं अभिषेक। और साथ ही साथ आज का दिन थोड़ा सा खास है, अभी थोड़ी देर में मैं आप लोग को बताता हूँ, गिरिराज जी का अभिषेक वगैरह कर लूँ। फिर बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। दुनिया में केला दर्जन में मिलता है, वृंदावन में किलो में मिलता है। जिले में पूरा एक किलो देता। वहाँ पे हमारे यहाँ भी दर्जन में मिलता है। दर्जन में ना, हमारे इधर भी दर्जन में। गल्ला दर्जन से लेके चोटी तक कहीं पर भी दर्द है, जीवन में केवल एक बार इस्तेमाल करके देख लेना। लो भैया जी, दर्द कितना भी पाना है भाई साहब, आपके कमर में दर्द रहता है, आपके घुटने में दर्द रहता है, आपकी पसली में दर्द रहता है, दिल का दर्द दूर होता है क्या? नमस्ते गिरिराजाय श्री गोवर्धन नामिने, अशेष क्लेश नाशाय परमानंद दाहिने, बोल गिरिराज महाराज की जय। तो आज हमारे छोटी सी कुटिया में निद्रा विजय प्रभु गिरिराज महाराज के लिए कुछ बनाते हुए, इनकी बड़ी इच्छा थी कि गिरिराज महाराज को यह चरणामृत, इसके बाद हम चरणामृत पाएंगे, अच्छे से बनाइए निद्रा विजय प्रभु। शेफ निद्रा जी सर, अच्छे से जी सर। सैंडविच पार्टी, तीन लोग सैंडविच पार्टी करते हुए, मी यू एंड ही। अभी हम निकले हैं घर से बाहर, ड्राइवर बेटा ध्यान से चलाना। तो फिलहाल अभी हम जा रहे हैं, आज हमारे एक गेस्ट आए हुए हैं प्रतीक प्रजापति प्रभु जी, जिनको बहुत सारे लोग रेडुकेशन के नाम से जानते हैं। प्रभु जी सनातन धर्म के प्रचार के लिए बहुत सारा मेहनत कर रहे हैं, तो उनसे मिलने जा रहे हैं एंड आगे जो भी होता रहेगा दिखाते रहेंगे। अच्छा खासा हम निकल चुके थे, तो हमारे ब्रज प्रभु ना एक बार मेमोरी कार्ड भूल गए, एक बार बैटरी भूल गए, एक बार ये भूल गए, एक बार वो भूल गए, अब फिर से धूप में। अगली बार ब्रज प्रभु अपना सब याद वेद रखने का, भाई बहुत मुश्किल से निकलना पड़ता है सर धूप में, आप क्या जानो इस धूप की कीमत। हाँ तुम क्या जानो। अयो माँ, दोस्तों दोपहर का समय है और इतनी तेज से धूप हुई है ना, इतनी तेजी धूप और गर्मी। सुबह एकदम ठंडी था मौसम और अब एकदम गर्मी जैसा मौसम हो गया, अनप्रिडिक्टेबल वेदर। गरम कुत्ता। तो फिलहाल हम इस गर्मी में पानी का बोतल भी लेना है। कृष्णा, तो अभी हम पहुंच गए हैं रामताल, ये एक बहुत ही पुराना मंदिर है, अंदर जाके हम इसके बारे में बताएंगे। और आज हमारे साथ में है हमारे प्रदीप प्रभु जी वेदुकेशन से, तो आज हम प्रभु जी के साथ में बात करेंगे और बहुत सारी चीजें हम चर्चा करेंगे। ये प्रभु जी के भाई जी और ये सब जानते हैं निद्रा प्रभु, इसको ले लेना। अच्छा देखो मिलन शुरू। जय हो गिर जाओ भैया, गिर जाओ। सबसे भाई वाला कौन सा है, कौन सा है? तो अधिकतर लोगों का यही प्रश्न आता था कि प्रभु आपके पास बहुत ज्ञान है, ये है वो है, पर हमें भी लेना है, हम कहाँ से शुरू करें? सच में हृदय से इच्छा है कि हाँ मैं इतना प्रभावित हूँ आपसे कि आपने मेरे जीवन में बदलाव लाया है। मैंने क्विट कर दिया था कि नहीं मेरे से नहीं होने वाला, और मैंने खुद 3 बार सुसाइड अटेम्प्ट कर लिया था। तो मैं चाहूंगा कि आप पर्टिकुलरली जिनको विटिलिगो है, जो आपको देख रहे हैं, आप उन्हें ऐसे इंस्पायर करें कि ऐसी क्या चीजें करें कि जो इस शरीर को लेके उतना ज्यादा परेशान ना रहे। यहाँ पे देखो रामताल का असली मजा ये है, अगर आप कभी आओ रामताल तो जरूर आओ, शांति। अरे काश इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के उस पे आइए। हाँ वो भाई क्या रिव्यू दिया इसने, मतलब मजा ही आ गया मेरे को देख के। इट वाज रियली नाइस वीडियो। तो भैया जस्ट अभी पहुंच गए हैं यहाँ पे सेवा में, और आज देखते कौन से बच्चे का हरे कृष्णा बोलने की बारी है, किसका फोन है आज, कौन से बच्चे बोलेगा? आप आओ तिलक लाल, आप आओ बीच में, जल्दी आओ। वेरी गुड वेरी गुड, आओ दोनों जन आओ, तीनों जन आओ जाओ, वेरी गुड। चलो बोलो तीनों जन, चारों जन साथ में बोलो। बच्चों सबको जोर से बोलना है, ठीक है? बोलो जोर से वृंदावन धाम की जय।
भैया अभी हम प्रसाद की सेवा के बाद निकल चुके हैं, मंदिर के दर्शन करेंगे और फिर हम वहाँ पे जप करेंगे क्योंकि हमारा जप पेंडिंग है। फिर घर आके हम आपको वृंदावन के बारे में दो चीज़ें बताएंगे, जैसा कि हमने कल के व्लॉग में प्रॉमिस किया था। आज संडे है पर लग नहीं रहा है संडे है क्योंकि आज भीड़ थोड़ा कम है। नाइस, अच्छा लगा देख के। जय हो वृंदावन धाम की, जय हो। तो प्रभु जी लोग के साथ में हम पहुँच चुके हैं मंदिर। निशांत प्रभु के मुख से अगर हम कोई भी शब्द सुनते हैं तो बहुत ही, आगे नहीं बताऊंगा वरना आप लोग भी सुनना चाहोगे। मैं आपको एक चीज दिखा रहा हूँ, कितना सुंदर तरीके से देखो ये ऐसा पेंट कर दिया है, ऐसा लग रहा है जैसे गोलोक का एंट्री का। अरे बोल साधु संतों की जय। मिल गया प्रभु, मिल गया। एक चीज की दामोदर मंदिर में भी फीडबैक टांगा हुआ और किसी का राधा कृष्ण प्राण मोरा जुगल किशोरा जीवने मराणे गति अरुणा ही मोरा। जय हो जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। नमो विष्णु पदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशकारिणे जगद्गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। समाधि मंदिर की जय। फिलहाल अभी मैं जा रहा हूँ श्रील प्रभुपाद के समाधि में। आज सुबह से हमारे जब हुआ नहीं है तो श्रील प्रभुपाद के रूम में बैठ गए, हम जप करेंगे फिर आगे की तरफ निकलेंगे। जय प्रभुपाद, जय प्रभुपाद, प्रभुपाद, जय प्रभुपाद, जय श्री प्रभुपाद। चलो भैया श्री प्रभुपाद की जय। आ जाओ बेटा। तो श्री प्रभुपाद के रूम में अगर आप आओगे तो आपको ना अरे फुल देसी घी वाला। एक तो मेरे को आज तक ये नहीं समझ में आया इंडियन लोगों को क्या चस्का लगा रहता है विदेशी लोग से फोटो खींचने का। हां जहां दो विदेशी देख नहीं लिए तहां इंडियन कहना इंग्लिश आ रहा नहीं, एक फोटो खींच सकता हूँ। अच्छा मुनीपुर देते ना बोल देते मुनीपुर जाती होंगे। अरे क्यों खिंचवाना भाई तुमको विदेशी लोग के साथ में फोटो, विदेशी नहीं देखे हो क्या? हाँ पता नहीं क्या क्या लोग हैं यार, बेचारे अनकंफर्टेबल हो जाते हैं यार। हाँ क्या मिलता है तुमको? अरे जय हो, जय हो राधे। कहाँ से हो? रावल धाम। रावल धाम की जय। रावल के भक्त लोग आए हैं। ऐसे भक्तों के दर्शन होते रहते हैं रावल धाम से। हाँ बैक टू मुद्दा, क्यों लेना फोटो यार, बेचारे अनकंफर्टेबल हो जाते हैं। शाम के टाइम ब्रज में जो भीड़ हो रही है ना आजकल देखो। हाँ तो जस्ट अभी घर पे आया हूँ तो आज मुझे प्रतीक भैया से मिलकर बहुत अच्छा लगा। हमने एक पॉडकास्ट रिकॉर्ड किया है, बहुत जल्दी वो आपको उड़ताकाश यूट्यूब चैनल पे, इसी यूट्यूब चैनल पे आपको देखने को मिल जाएगा। तो मैं चाहूंगा कि सारे लोग वो पॉडकास्ट देखना, आपको बहुत अच्छा लगेगा, बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेगी, बहुत सारी चीजें समझने को मिलेगी। तो खैर अभी हम अपने आ गए हैं श्रीमद भागवतम रोज के जो हम सीरीज पढ़ाई कर रहे हैं। तो अगर आप लोग को याद होगा जो रोज ब्लॉग देख रहे हैं उनको पता होगा तो अभी हम कहाँ पहुंचे हैं। बेसिकली हिरण्यास और हिरण्यकश्यपु जो जय और विजय थे, सॉरी हाँ जय विजय जो थे अपना वैकुंठ में, तो उनको श्राप मिल गया है। तो अब आगे का वर्णन हो रहा है। इस प्रकार के तथा अनेक अपशुकनों को देखकर ब्रह्मा के चारों ऋषि पुत्र जिन्हें जय तथा विजय के पतन एवं दिति के पुत्रों के रूप में जन्म लेने का ज्ञात था, उनके अतिरिक्त सभी लोग भयभीत हो उठे। उन्हें इन बातों के मर्म का पता था। बेसिकली चार कुमारों को पता था और ब्रह्मा जी को भी पता था कि जय विजय का अपना पतन होगा हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यपु का। अब आगे वाले श्लोक में बताया जा रहा है कि दो प्रकार के व्यक्ति होते हैं, एक होते हैं असुर, एक होते हैं देवता। जो असुर होते हैं वो भगवान को नहीं मानते, जो देवता होते हैं वो भगवान को मानते हैं। सिंपल भाषा में अगर समझने जाए, क्योंकि असुर की डेफिनेशन बहुत बड़ी है। तो आगे चलते हैं। अब असुर जो है जो जय विजय के, उसमें से हिरण्याक्ष के बारे में बताया जा रहा है कि हिरण्याक्ष दिखता कैसे था। जब वो मुकुट पहनता था मुकुट कहाँ तक टच होती थी, कौन सा करधन पहनता था, और जब वो करधन पहनता था तो उस करधन से क्या वो चीज होती थी। तो ध्यान से सुनना आगे। उनके शरीर इतने ऊंचे हो गए कि उनके स्वर्ण मुकुटों के शिखर मानो आकाश को चूम रहे हो। उनके कारण सभी दिशाएं अवरुद्ध हो जाती थी और जब वे चलते थे तो उनके प्रत्येक पग कदम पर पृथ्वी कांपती थी। उनके बाहों के चमकीले बाजूबंद सुशोभित थे, उनकी कमर में परम सुंदर करधनियां बंधी हुई थी और जब वो खड़े होते थे तो ऐसा प्रतीत होता था कि मानो उनके कमर से सूर्य ढक रहा हो। मतलब जब वो खड़े होते थे ना
तो ऐसा लग रहा था जैसे सूर्य ढक जा रहा हो। और फिर जीवात्मा के सृष्टा प्रजापति कश्यप ने अपने जुड़वा पुत्रों का नामकरण किया। जो पहले पुत्र उत्पन्न हुए उनका नाम उन्होंने हिरण्याक्ष रखा, और उनके दिति से जिसको दिति ने पहले गर्भ में धारण किया था उनका नाम हिरण्यकश्यपु रखा। तो ये दो थे। ज्येष्ठ पुत्र हिरण्यकश्यपु को तीनों लोकों में किसी ने भी अपनी मृत्यु का भय नहीं था, क्योंकि उसे ब्रह्मा से वरदान प्राप्त था। इस वरदान के कारण वो अत्यंत दम्भी तथा अभिमानी हो गया था और तीनों लोकों में अपने वश में करने में समर्थ था। उनका छोटा भाई हिरण्याक्ष अपने कार्यों में अपने अग्रज भ्राता को प्रसन्न करने हेतु सदैव तत्पर था। हिरण्यकश्यपु को प्रसन्न करने उद्देश्य से ही वह अपने कंधों पर गदा रखी और लड़ने की इच्छा से पूरे ब्रह्मांड में घूमता गया। तो आज के लिए हम इतना पढ़ेंगे, चलो एक श्लोक और पढ़ते हैं। हिरण्याक्ष की मानसिकता को नियंत्रित कर पाना कठिन था। उनके पैरों में सोने के नुपुरों की झिंकार हो रही थी, उनके गलों में विशाल माला सुशोभित थी और वह अपनी विशाल गदा को अपने एक कंधे पर धारण किए हुए थे। तो भैया देखो, ये जो असुर लोग हैं वो इतना ताकतवर, इतने ये थे। तो यहाँ पे ना तात्पर्य में बहुत ही सुंदर शिला प्रभुपाद हमें समझाने का प्रयास कर रहे हैं। जैसा कि यहाँ पे वर्णन हुआ है कि सामान्य रूप में असुर अत्यंत बलशाली बलिष्ठ होते हैं, अतः उनकी मानसिक दशा भी ठीक रहती है और उनका शौहर असाधारण होता है। हिरण्याक्ष तथा हिरण्यकश्यपु इस ब्रह्मांड के भीतर किसी के द्वारा न मारे जाने सकते या वर प्रदान था, अमर बन गए और पूर्णतः निर्भर हो गए थे। तो इतना सब कुछ होने के बाद धीरे धीरे आप देखेंगे कि ये इतने बलशाली थे, सब कुछ था, पर भगवान के सामने गेम एक मिनट में ओवर हो जाता है। तो ये चीज हमें सीखनी चाहिए कि हमारे पास हो सकता है भले बहुत सारी चीजें हों, बहुत सारी सुख सुविधा सारी चीजें हों, बट भगवान के सामने सब रह जाएगा। तो हमें ना बहुत बहुत सावधानी से भगवान का भजन करना चाहिए, जो कि हम इस ब्लॉग के थ्रू सीख रहे हैं। लाइक रोज हमें पढ़ रहा हूँ और आप लोग सुन रहे हो। अगर आप ध्यान से सुन रहे हो तो लाइक आपको थोड़ा हेल्प मिलती होगी, थोड़ा बहुत समझ में आता होगा, क्योंकि मैं पढ़ के आपको समझा रहा हूँ। तो बस आज के ब्लॉग में इतना ही, कल मिलते हैं, कुछ नई चीजें सीखते हैं। आज का दिन बहुत अच्छा था और मैं चाहता हूँ कि जितने भी, अगर आप लोग ये ब्लॉग अभी तक देख रहे हो तो मैं आपको बोलूंगा कि ब्लॉग पूरा देखा करो, क्योंकि अगर आप पूरा ब्लॉग देखोगे तो उससे क्या होगा पता है, YouTube ना दूसरों को रिकमेंड करेगा, क्योंकि क्या होता है स्किप करके देखते जाते हो। चलो आई नो कि बहुत टाइमिंग इतना नहीं रहता आपके पास, बट स्टिल आप अपने सारे दोस्तों को बताओ कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें उड़ता आकाश को। इससे क्या होगा कि ज्यादा लोगों तक ये चीजें पहुंच पाएगी, लोग ज्यादा से ज्यादा वृंदावन के दर्शन कर पाएंगे। और हाँ, एक चीज तो भूल ही गया मैं, मैंने आप लोग को प्रॉमिस किया था कि मैं वृंदावन के दो चीज आपको रोज बताऊंगा ना, तो चलो आज नहीं कल से इसको शुरू करते हैं। कल से आई एम श्योर कि मैं आप लोग को सारी चीजें बताऊंगा। तो हरे कृष्ण। तो आज का ब्लॉग यही पेंट करते हैं। राधे श्याम।